वल्ला हबीबी, किधर चली तुम? हम चले घूमने। कहाँ घूमने चली तुम? वही घूमने जहाँ पर आपने सबसे ज्यादा वोट किया है, और वो है कश्मीर। तो कुछ दिन पहले जो हम लोग ने एक पोल क्रिएट किया था यूट्यूब पर, और सबसे ज्यादा वोट कश्मीर का ही आया था। तो हम लोग इस बार एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो है हर बार एक बार माउंटेन ट्रिप जाते हैं, और फिर एक बार जो है कोई आइलैंड या बीच साइड ट्रिप पे जाते हैं। सो माउंटेन ट्रिप तो आप लोग ने देखा, ये लास्ट सिक्किम का ट्रिप जो इसमें मैं अकेले गया था, मेरे दोस्त के साथ संगू नहीं जा पाई। और अभी जो है इस बार हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाए, तो फिर हम लोग जो है कंसिडर किए कि संगू लास्ट 6 महीने से घूमे नहीं, तो हम लोग सोचे कि चलो फिर माउंटेन ही करते हैं। लास्ट संगू गोवा गई थी, उसके बाद गोवा। हाँ, तो उसके बाद जो है संगू 6 महीने बाद ट्रेवल करने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड, और वो भी कश्मीर। सपना सबका जो होता है लाइफ में, एक सपना, मतलब ना क्यूरियोसिटी। मूवीज में ही देखे कभी हमेशा कश्मीर को जो है, और आज जो है हम लोग कल जा रहे हैं, तो जो लाइव एक्सपीरियंस करेंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो कल सुबह हम लोग का फ्लाइट है 6 बजे का, और अगेन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, और हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, 12 से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। और टिकट हम लोग ने बुक किया था कुछ महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले हम लोग ने बुक कर दिया, तो हम लोग को कम में मिल गया। हम लोग को 4,200 में जो है दोनों का डिस्काउंट में मिला, क्योंकि हम लोग थोड़ा ऑफर के टाइम पे हम लोग बस चेक कर रहे थे कहाँ जाए, तो 4,200 में जो पर हेड का हो गया, तो 8,000 में जो है 8,500 में दोनों का जो है चेन्नई से कश्मीर का हो गया, श्रीनगर तक का वाया दिल्ली। एनीवेज तो चलते हैं और मिलते हैं आपको एयरपोर्ट डायरेक्टली। चलो सो लो जी, पहुंच गए अभी हम लोग एयरपोर्ट, और इस बार जो है फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं टाटा एयर इंडिया पर। सो एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास जाने के बाद जो है फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो वही है, तो हम लोग को जो टेंशन था आज आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर जो है चेन्नई में जो है थोड़ा ऑरेंज और रेड अलर्ट दिया गया है, ताकि एक जो है डिप्रेशन फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल में, तमिल के लिए बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट दिया है। साइक्लोन नहीं होगा, बट वो डीप डिप्रेशन है, तो हैवी रेनफॉल होने का चांसेस था, तो हम लोग डर रहे थे कि क्या होगा अगर कश्मीर ट्रिप कैंसिल ना हो जाए, फ्लाइट अगर बंद हो गया तो बेटा गया पूरा ट्रिप कैंसिल। तो वही हम लोग सोच, कुछ हुआ नहीं, मतलब बारिश हुआ नहीं, अभी तक तो बारिश हुआ नहीं, दोपहर को थोड़ा टाइम बारिश हुआ था, लेकिन अभी तो कुछ इशू नहीं है। तो देखते हैं, पहुँचते हैं, अभी जो चलते हैं हम लोग लाउंज, तो अपने पास बहुत सारा लाउंज एक्सेस है। बहुत सारे लाउंज एक्सेस के कार्ड से हम लोग के पास जितना भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, सब में जो है लगभग बहुत सारे लाउंज एक्सेस है, तो वेस्ट क्यों किया जाए। तो एनीवेज अब क्वार्टरली 2-2 लाउंज मिलता है हर एक कार्ड में, तो लेट्स यूटिलाइज। और सुबह को हम लोग निकल भी गए, कुछ खाए भी हैं, भूख भी लग रहा है। हालांकि फ्लाइट में खाना मिलेगा, बट अभी थोड़ा खा लेते हैं, देखते हैं, तो बैठते हैं। ऐसे भी हम लोग के पास अभी टाइम है 1.5 घंटा, सो चलो चलते चलो। सो भाई जब बहुत लोग को पता नहीं होता है, हम लोग को भी पहले पता नहीं था, जब पहली बार जब क्रेडिट कार्ड लिए थे या डेबिट कार्ड जब था, जब जिसमें लाउंज एक्सेस था, तो हम लोग को पता नहीं किया था कितने साल, हाँ 1-2 साल तो यूज़ भी नहीं किया, पता भी नहीं था। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या तो डेबिट कार्ड जिसमें लाउंज एक्सेस है, तो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 1 या 2 रुपये चार्ज करते हैं, आप बिंदास जो है बुफे खाना खा सकते हो, मस्त अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। आ जाओ, उसको मैंने बोला चटनी भर के लाने के लिए, पूरा एक गमला, मुझे पता नहीं, ये चटनी बहुत पसंद है मुझे, एक गमला चाहिए, मैं एक गमला चटनी चाहिए, कोकोनट चटनी, एक इडली के लिए इतना सारा चटनी, मैं चटनी लवर हूँ, मैं बहुत सारा चटनी चाहिए मुझे। तो आज जो है मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, आज मैं 4 घंटा सो के आया हूँ, पहली बार सुबह का फ्लाइट जब भी होता है मेरे को रात को नींद नहीं आता, और ये लड़की सोई नहीं रात को 2 बजे तक, हाँ 2 बजे मैं तो 2 बजे उठ गया, तो रात भर सोई नहीं। आज मैं कश्मीर जाके जो है डल लेक में मस्त फोटो खींचूंगा, मस्त एकदम आराम करूंगा, कि बेचारी सोते मैं तो पूरा अपनी नींद पूरा फ्लाइट में, मैं इतना खुश लग रहा था, लास्ट सिक्किम ट्रिप में इतना बुरा हालत हो गया था मेरा, इस बार मैं पता नहीं आज क्या हो गया, मेरा 10 बजे तक मैं सो ही गया था, 4 घंटे आराम से सो के उठा मैं। हमेशा ये क्या करता है 5 बजे से प्रैक्टिस सोने का, जो मेरे वाले प्रैक्टिस करने की जरूरत, जब सोना होगा 5 बजे से मैं प्रैक्टिस करता था सोने के लिए, लेकिन इस बार सोचा कि चलो ऑफिस का काम करके खाना खा के 10 बजे सोते हैं एक साथ ही। भाग रहे हम लोग अभी, हमको लगा 5:40 को था, लेकिन अभी फ़ोन किए कि यू आर द लास्ट वन अगेन, भाग रहे, पहले था गेट नंबर 6, अभी बोल रहे गेट नंबर 11, बाप रे बाप।
खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, भूख एकदम नहीं है। इसमें है अंडा, पोटैटो एंड सम बीन्स, क्या दिया है साथ में, केक्स एंड योगर्ट। पहुंच गए दिल्ली, अब भागो जल्दी, टाइम ही नहीं है हमारे पास, 15 मिनट है बस। सो फ्लाइट नंबर 2, फ्लाइट टू जन्नत, फ्लाइट टू जन्नत, यस। इस वाले में जगह बचाने के लिए ये वाला हटा दिया, जगह ही नहीं है। अभी तक तो ठंड लग नहीं रहा है क्योंकि अंदर ही है। पहुंच गए श्रीनगर और बाहर जाएंगे, फर्क लगे देखो, अंदर थोड़ा बर्फ बर्फ हो हर जगह जो है। जन्नत कश्मीर, क्यों ठंड लग गया? तो बाहर जाने से पहले जो है पहन लेते हैं, अंदर पता नहीं चल रहा लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। यहाँ पर जो है सब लोग नीचे उतर के जो है सब जैकेट पहन रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि लगेज लेने से पहले जैकेट पहन लेते सब लोग। बाहर बहुत ठंडा है और ये देख सकते हो पूरा बर्फ जमा हुआ चारों तरफ, कुछ दिन पहले स्नो हुआ था। क्या संगू, यहाँ पे आते अलग ही एकदम अलग ही माहौल है, माहौल ही अलग है। और यहाँ पर आने के लिए बाद जो है यहाँ पर एक स्टाम्प लगाया गया हाथ पर, कोविड वैक्सीनेशन जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के बाद, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है चेक कर रहे हैं। ये रहा अपना, चलो ये देखो ऐसा स्टाम्प दिया मारा गया है हाथ पर बाहर निकलने के बाद, अगर हाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया गया और अगर नहीं है तो RT-PCR रिपोर्ट, तो ये दोनों चाहिए होता है श्रीनगर आने के लिए, तो वही है अभी रूल से आकर। कुछ कुछ लोगों का एंटीजन टेस्ट भी करते हैं। हाँ नहीं है तो यहाँ पर एंटीजन टेस्ट भी होता है। तो अभी गाड़ी यहाँ पर सामने है, सो लेट्स गो। डल लेक 16 किलोमीटर लगभग 40-45 मिनट लगेगा। आपका नाम फिर से बता दीजिए एक बार। मोहम्मद हुसैन भाई। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डल लेक, हम लोग का बोट हाउस है वहाँ पर बुक किया हुआ। ये जो पेड़ देख सकते हो ये वाला विल्लो पेड़, इसमें से जो है क्रिकेट बैट बनता है इसमें से। हाँ और चिनार के पेड़ तो आपको हर जगह दिखते ही रहेगा, आपको कश्मीर आया तो चिनार के पेड़ हर जगह दिखेगा आपको। और ये है जेलम रिवर, ये देख सकते हो, और इधर भी जो है काफ़ी सारे हाउस बोट भी है। ये जगह का नाम क्या है? डल गेट। अच्छा ये डल गेट है, कितने सारे हाउस बोट है देख सकते हो। यहाँ पर डल गेट का एक गेट है। अच्छा जब उसमें पानी भर जाता है हाँ। तो फिर वो गेट को खोल के इसमें डाल देते हैं। ये यहाँ से और एक लेक है जिसको बोलते हैं मानसबल। अच्छा वहाँ पर जाता है, फिर उसके बाद वालूर लेक है, वालूर में चला जाता है। अच्छा अच्छा साइड के हाउस बोट के लोकल लोग रहते हैं या टूरिस्ट लोग आके रहते हैं? ये जो हाउस बोट आप देख रहे हैं ना ये बहुत पुरानी हाउस बोट है, मगर ये
टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये इनके घर है, घर है, रहते वहाँ पर पहले से इसी इन्हीं में रहते हैं। तो बहुत पुराने पुराने हाउस बोट से जितने भी हाउस बोट्स मतलब टूरिस्ट के लिए है ना, हाँ तो सब डल लेक में है, लिगिन लेक में है, लिगिन लेक और जैनिम रिवर में भी है, मगर दूसरे साइड में राजबाग साइड में जहाँ से हम भी आए थे ना। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से। और ये यहाँ से जो है पूरा डल लेक स्टार्ट होता है और पूरा एकदम बहुत पूरा दूर दूर तक जो है डल लेक ही दिखेगा आपको। अभी कितने घाट से यहाँ पर, घाट यहाँ पर बहुत है, तकरीबन यहाँ पर 24 घाट है। 24 24 अच्छा, हम लोग जाना है 9 नंबर घाट पर। 9 नंबर आगे ही है, सामने स्टार्टिंग पे ही है। अच्छा स्टार्टिंग पे ही है। और देख सकते हो बहुत सारे हाउस बोट्स यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी बस हम लोग यहाँ पर आए हैं डल लेक के सामने जो है एक रेस्टोरेंट में, शामिया रेस्टोरेंट, शामियाना। तो करते हैं हम लोग अपना लंच। ये पीछे देख सकते हो अपोजिट में है ये डल लेक पूरा, और ये है रेस्टोरेंट पर। तो पहले हम लोग करते हैं अपना लंच, उसके बाद जो है चलेंगे अपने बोट हाउस के लिए। तो करते हैं लंच। तो अच्छा एरोमा स्मेल अच्छा आ रहा है, नॉनवेज के लिए अच्छा है भैया बता रहे थे, तो वही पे कर लेते हैं लंच। अभी देखते हैं मेनू में क्या है। संगू क्या खाओगी बताओ? कुछ अच्छा सा लजीज। सी आ गया मटन कबाब। संगू तो नहीं खाएगी मटन, तुमको तो नहीं, थोड़ा सा तुमको तो मटन नहीं खाना, तुम तो मटन नहीं खाती। मटन नहीं खाती, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे जगह से अलग टेस्ट। हाँ यहाँ पर ना वाजबान बहुत फेमस होता है यहाँ का, लेकिन आज खाने का मन नहीं कर रहा है। आज बहुत पेट मतलब हम लोग खा ही रहे थे। हाँ तो वाजबान के लिए अलग से एक पेट जगह बनाएंगे, पेट को जगह बनाएंगे। हाउ इज इट? बहुत ही बढ़िया। और यह गया संगू का चिकन बिरयानी, चिकन लवर। लो तुम अपना चिकन खाओ, इतना सारा खाओ तुम बैठ के। सो खाना अच्छा था यहाँ का। हम लोग ने एक मटन कबाब और चिकन बिरयानी ऑर्डर किए थे, और प्राइस पर हम लोग कुछ 885 रुपीस, अराउंड 900 रुपीस पकड़ लो। तो ठीक ही था, खाना बहुत टेस्टी था। तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा था, हाँ रह भी गया था, हम लोग खा भी नहीं पाए। तो अब चलते हम लोग डायरेक्ट अभी गेट नंबर 9 पे, घाट नंबर 9 पर अपने हाउस बोट के लिए। लो जी हम लोग आगे घाट नंबर 9 पर और ढूंढते अपना शिकारा राइड। बस बैठ गए हम लोग अपने शिकारा पर, और हर एक हाउस बोट का जो अपना अपना शिकारा राइड होते हैं, और सब गेट के पास ही सारे मतलब हाउस बोट्स के शिकारा। हाँ वो आपको जो है फ्री में जो है पहुंचा देंगे हाउस बोट। इसके बाद जो आपको अगर अलग से जो है आपको शिकारा राइड करना है तो उसका अलग से आप चार्ज पे कर सकते हो, घंटे का होता है, वो देखेंगे बाद में हम लोग। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, तो ये वाला राइड हम लोग का फ्री है, तो हम लोग को बस पहुँचना है अपने नो हाउस बोट तक। और काफ़ी शांति है, लेकिन बस आप बिंदास बैठो, इसको ना यार ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा करके बैठो और सुकून से जो आप चलते रहो। हम लोग सोचे कि शाम को हम लोग फिर से जो है थोड़ा रेस्ट होके हम लोग फिर निकलेंगे, थोड़ा डल लेक का जो है सफ़र करेंगे हम लोग, थोड़ा घूमेंगे अच्छे से। और अभी जो है पहले जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते, एकदम टायर्ड हो गया है, सोए भी नहीं, थोड़ा आधा घंटा एक घंटा तो रेस्ट करते हैं, उसके बाद जो समूह फिर निकलेंगे। क्यों मतलब ये लेकिन बेस्ट है संगू, शांति लग रहा है। आप अगर पहले दिन अगर आप टायर्ड होके आ रहे हो तो पहला दिन जो है आप बोट हाउस में रह जाओ, बेस्ट है, शांति से जो है आप पहला दिन ही शिकारा राइड कर लो और चलो। हाँ पहला दिन जो है आराम से आप रेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हम लोग का शायद आ गया है, ये वाला है हम लोग का, ये दिख रहा है शिकागो। क्या तो ना शायद पहले लोग बाहर से आते थे, वही लोग जो है अपने कंट्री के नाम से जो है होता है, स्टेट के नाम से जो है दे के चल जाते थे, तो वही नाम बन जाता था बोट हाउस का पहले। आ गया अपना शिकागो। आजा
यहाँ आ गए हम लोग अभी अपने हाउस बोट पर। कौन सा है हम लोग का? मैंने कहा आपका सारा घर है, क्या नाम से सर? मेरा नाम पुलक। नाइस टू मीट यू। तीनों में से जो अच्छा लगे रह जाओ। वाओ क्या खूबसूरत है, देख सकते हो। वाओ सिटिंग एरिया सर। अच्छा ये डाइनिंग। वाओ नाइस। तो ये रहा डाइनिंग एरिया और इस साइड है अपना रूम। अच्छा ये अपना रूम, ये भी चलता है ना? ये भी चलता है। ओह बढ़िया। अच्छा इधर से है वॉशरूम। ओह नाइस वेरी क्लीन। अच्छा अभी थोड़ा निकलेंगे, अभी शिकारा थोड़ा घूमेंगे, बेहतर है। अभी मौसम अच्छा है। हाँ। शाम के टाइम पे ठंडा हो जाता है। हाँ। तो आप आने के टाइम थोड़ा व्यू भी अच्छा मिलेगा हर एक चीज का। अच्छा तो अगर थोड़ा फ्रेश होके आप फ्रेश होके वही। हाँ ठीक है। हाँ, बहुत ही नीट, बहुत खूबसूरत सा एक कॉजी रूम है। हाँ और सब फैसिलिटी है यहाँ पर। ये हीटर भी है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी है यहाँ पर, और रेस्ट रूम में जो है और गीजर वगैरह भी है सब कुछ। और ये देख सकते हो ये कितना खूबसूरत से जो है कारीगरी किया गया है, वुडन वर्क। ये पूरा हाउस बोट बनाना करोड़ों में लगता है। और प्राइस जो हम लोग ने पे किया था इस बोट हाउस का वो है 2700 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और डिनर। तो लाइन में जो एक दो तीन चार करके चार रूम है, तो आज चारों फुल है आज। और यहाँ पर बाहर जो है सीटिंग एरिया भी है। और एक चीज़ अच्छा है कि इस हाउस बोट का कि यहाँ से जो पूरा व्यू बहुत अच्छा रहता है। ये देख सकते हो ये अभी तो थोड़ा क्लाउडी है, लेकिन ये पूरा स्नो कट माउंटेन्स दिख रहा है। कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो है। और वरना अगर इस उस साइड लेते हो तो इधर जो है आपको दिखेगा नहीं कुछ, क्योंकि सारे माउंटेन जो इस साइड ही है। तो वो अच्छा होगा अगर इस साइड लेते हो। नहीं अभी नहीं, अभी लंच करके ही आए। सो यहाँ पर देख सकते हो शिकारे से जो है, शिकारा राइड में जो आप आते रहेंगे आपको बहुत सारे शॉपिंग का खाने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो भैया आए बारबेक्यू लेके। नहीं अभी नहीं भैया, अभी तो बस लंच करके आए। हाँ बाद में देखेंगे। हाँ और मौसम बहुत प्लेजेंट है आज, इतना ठंडा नहीं है, तो आज बेस्ट है शिकारा राइड के लिए। थोड़ा एंजॉय करने के लिए पूरा राइड डल लेक का लेते और घूमते। और इस साइड भी क्या खूबसूरत लग रहा है पहाड़, देख सकते हो कितने सारे बोट हाउस है। मुझे लगा था पहले इतना होगा, लेकिन ये तो पूरा एकदम भर गया, एक एक जगह भी नहीं बचा है पूरा डल लेक का। हाँ तो आज के इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, और अभी जो हम लोग थोड़ा फ्रेश होते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे शिकारा राइड के लिए। और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे डल लेक पूरा, और घुमाएंगे आपको शिकारा राइड में वर्चुअली, और दिखाएंगे आपको अपने डल लेक में क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, क्या क्या मतलब शॉपिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है, और जो है क्या कुछ खाना और एक्सप्लोर क्या क्या कर सकते हो। हाँ पूरा डल लेक एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, अगर पसंद आया तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।